अब साला विलन से हम क्या सीखेंगे? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी है ना, तो बॉस आप वहीं पर हो जहाँ पर दो दिन पहले मैं था। मेरी टीम ने मुझे फोर्स किया कि हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। तब मैंने कहा कि यार हम विलन से क्या ही सीखेंगे, पर बॉस जब मैंने रिसर्च करना चालू किया तब मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने मेरे दिमाग में विलन की इज्जत बढ़ा दी। और मुझे यकीन हो गया कि हर बंदा अगर विलन से ये तीन क्वालिटीज अडॉप्ट करता है ना, तो उसके जितना बड़ा हीरो कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ, विलन रियल लाइफ में भी और फिल्मों में भी सिर्फ एक रीजन की वजह से हारते हैं, जो मैंने वीडियो के एंड में बताया। और इस चीज को गलती से भी नहीं करना, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और हाँ, आपका फेवरेट विलन कौन है और उसका कौन सा अंदाज और कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, विलन से सिर्फ आपको अच्छी चीजें सीखनी है, उनके जैसे काम नहीं करने हैं। नहीं तो मेरे को ही ब्लेम करोगे कि मंगेश भाई ने बोला है कि विलन की क्वालिटी तुम्हें होनी चाहिए। ऐसा मत करो मेरी जान। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटी नंबर वन, एंड दैट इज डेस्पिरेशन। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। बॉस आई बिलीव इट ऑन 99%। और 1% केसेस में वो अगर नहीं होता है तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उससे कोई बेटर चीज या कोई बेटर इंसान आपकी डेस्टिनी में है। पर 99% आप डेस्परेटली किसी चीज को चाहोगे तो वो मिलती ही है। सिर्फ एक बार ये चीज मेरे साथ फेल हुई है, बाकी हर वक्त मैंने जो भी चाहा है वो मुझे मिला है। और ऐसा क्यों होता है इसके ऊपर भी मैंने बहुत डीपली रिसर्च किया था और उसका रीजन भी मुझे मिला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपने किसी भी विलन को अगर गौर से देखा होगा तो उसके अंदर कोई भी चीज को पाने के लिए एक डेस्परेशन होता है कि बॉस चाहिए मतलब चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होता है। उनको उनका वाई पता होता है कि बॉस मुझे ये चाहिए तो क्यों चाहिए। और यही क्वालिटी अगर हम हमारे लाइफ में ऐड करते हैं, हमारे गोल्स के लिए यूज करते हैं कि बाकी सब गया भाड़ में, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, चाहे फिर वो एग्जाम्स में टॉप करना हो, कोई स्टार्टअप करना हो, या क्रिकेटर बनना हो, सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, जो भी हो, उसको अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करो, चाहे घर वालों के अपोज में भी जाना पड़े तो भी जाओ, पर हर हालात में जो चाहिए उसे हासिल करना। वरना वक्त निकल जाने के बाद पछतावा करते बैठोगे कि काश उस वक्त थोड़ी हिम्मत की होती तो आज लाइफ कुछ और होती। अब आप पूछोगे कि भाई विलन्स भी उनको जो चाहिए उसके लिए डेस्परेट होते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो बॉस, इसका आंसर वीडियो के एंड में है। टिल देन, क्वालिटी नंबर टू, प्राइडफुल बिहेवियर। दोस्तों, आप किसी ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट करोगे जिसको खुद को ही खुद की कदर नहीं है, कभी नहीं करोगे, इवन कोई भी नहीं करेगा। इसलिए दुनिया को भाड़ में जाने दो, पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद करना सीखो। अगर तुम्हें ही तुम्हारी कदर नहीं है तो ये दुनिया क्या खाक करेगी। और बॉस, ये दुनिया की आदत है कि अगर कोई बंदा खुद के रुतबे में रहता है तो दुनिया उसे घमंडी बोलती है, और अगर कोई एकदम सादा रहता है, डर डर के रहता है, तो दुनिया उसको मूर्ख बोलती है। इसलिए आप कैसे भी रहो, ये दुनिया तो बोलेगी ही। और ये वाली क्वालिटी मैंने बहुत से विलन्स में नोटिस की है कि उनको खुद के ऊपर एक प्राइड होता है, जो कि होना भी चाहिए, तभी दुनिया आपकी कदर करेगी, आपकी वैल्यू करेगी। और प्राइड होने में और घमंड होने में बहुत फर्क है। प्राइड हमेशा रखो, पर घमंड कभी नहीं। क्वालिटी नंबर थ्री, डोंट फॉलो द क्राउड। ये हर एक विलन में बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है। वो साले हमेशा दुनिया से कुछ हटके करते हैं। ये क्वालिटी आजकल बहुत ज्यादा रेयर है, नहीं तो आजकल साला हर कोई रेस में लगा हुआ है उस चीज को करने के लिए जो हर कोई कर रहा है। इंजीनियर्स इस बात से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उस हर एक बंदे में ये रेयर क्वालिटी होनी चाहिए जिसका सपना आसमान से भी ऊंचा है, क्योंकि आम चीजें तो हर कोई करता है, पर साला जिगर होना चाहिए कुछ हटके करने के लिए। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि साला ये दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। विलन के पास भी ऐसी कुछ यूनिक क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो क्यों फेल होते हैं, ये तो मेगा सीक्रेट में आगे आपको बताऊंगा ही। पर सिर्फ इन क्वालिटीज को जानना काफी नहीं है, तो आपको इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट भी करना है। और कैसे चीजें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, ये आप सीख सकते हो एग्जीक्यूशन द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इस बुक से। इसकी बुक समरी भी आपको मिल जाएगी कुको एफएम पर, जिसको ऑलरेडी 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुना है। और कुको एफएम पर ऐसी कई सारी बुक्स भी अवेलेबल है जो आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाएगी। आप इन बुक्स को सुन सकते हो पूरे साल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पिज्जा के कॉस्ट में, और उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड WP50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। हाँ, तो अभी आपके सवाल का जवाब कि बॉस विलन के पास तो ये सारी क्वालिटीज होती है, फिर भी वो फेल क्यों होते हैं? और अभी जो चीजें बताने वाला हूँ वो रियल लाइफ में भी उतनी ही सच है जितना कि मूवीज में। एंड दैट इज इंटेंशन, आपकी नियत। मेरी माँ कहती है कि अगर आपकी नियत सही है तो भगवान तो क्या, पर भगवान के भगवान भी आपका कुछ बुरा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी नियत इतनी साफ रखो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए तुम्हें तुम्हारे उस गोल तक पहुंचाने के लिए। और ये चीज मैंने बहुत क्लोजली देखी है कि जिन लोगों की नियत सही नहीं होती है वो कितना भी कुछ हाथ पैर मार ले पर वो कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और अपने फेवरेट विलन का नाम क्या है कमेंट में जरूर बताना, और उनकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो भी मेंशन करना। दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय।